अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज संडे है और संडे को तो कुछ स्पेशल ही होता है। और अब आपको पता है संडे को मैं हमेशा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि एक संडे तो होता है लेट उठने के लिए, वरना स्कूल जाने के लिए तो सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो संडे को मैं लास्ट लेट उठती हूँ जी। तो आज हमने वैसे ये नाश्ता किया, और संडे वाले दिन हम दोपहर में खाना नहीं खाते क्योंकि नाश्ता इतना लेट हो जाता है। नाश्ते तकरीबन 12-1 बज जाते हैं नाश्ता करते करते संडे को। वैसे हम लोग जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि सुबह में मुझे स्कूल जाना होता है, तो लास्ट में मुझे जल्दी उठना पड़ता है। और ये आज सुबह काम वाली आ गई थी, वो सफाई करके के ऊपर जाकर कपड़े धो रही थी। तो जब तक वो कपड़े धो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं कारपेट भी धो लेती हूँ, काफ़ी दिन से इरादा था, बस नहीं धुल पाया था। और नेक्स्ट सैटरडे हमने जिनके भी शादी हुई है उनकी दावत भी करनी है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही तैयारियाँ होती हैं, तो इसलिए मैंने आज ही कारपेट धो लिया था काम वाली के साथ लगकर। क्योंकि जब तक उनके साथ ना लगो तो वो भी नीच फिर के से काम करती हैं, इसलिए उनके साथ लगकर धोना करना पड़ता है काम। अब हर चीज़ उन पर नहीं छोड़ी जा सकती, खुद भी आपको करना पड़ता है। तो हम लोग संडे को ही सारा सामान मंगवा लेते हैं भाई से, क्योंकि फिर पूरा वीक आराम से गुजर जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है। चिकन वगैरह और जो भी सब्ज़ी हमें वीकली चाहिए होती है वो मंगवा लेते हैं। तो आज मेरा पालक गोश्त बनाने का मूड है, और मैं काफ़ी दिन से बोल रही हूँ हमने पालक गोश्त का, तो आज हमने पालक गोश्त बनाई थी। अम्मी कट कर रही थी पालक गोश्त, तो फिर मैंने पालक धो के अच्छे तरीके से, आपको पता है पालक में कितनी मिट्टी होती है, उसको लास्ट में अच्छे तरीके से आपको धोना पड़ता है कि कहीं मिट्टी आपके मुंह में ना आ जाए। इसलिए मैंने अच्छे तरीके से पालक को धो लिया, अच्छे तरीके से उसको धो के और एक में छन्नी में डाल के रखते हैं कि उसका पानी भी अलग हो जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, पानी उसके अंदर ज़्यादा आपको नज़र नहीं आए। तो मैंने उसको अच्छे तरीके से धो के छन्नी में डाल के रख दिया था जी। तो बस ये धुल रही है। और आज आप लोग के लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया था, आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, तो आज मैंने ब्रोस्ट बनाया है। और जिस तरह मैंने ब्रोस्ट बनाया है वो आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, और आप बिल्कुल वैसे ही एज़ इट इज़ वैसे ही रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ब्रोस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो जी आज ही मैंने 2 किलो चिकन मंगवा ली थी, तो अब इसको भी वॉश करके रखना था। और बंदा ऐसे ही चिकन को रख दे तो फिर जब आपने बनानी होती है तो बहुत मुश्किल से फिर निकलती है, इसलिए जब चिकन आए और ताज़ी ताज़ी होती है तो इजीली वो धुल भी जाती है। फिर आप उसके पैकेट्स बना कर रख लें ताकि आपको फिर डिफ़िकल्टी ना हो। तो मैंने अब सिरका ले लिया था ब्रोच के लिए, जो मैंने इसके अंदर सिरके में डिप करके रखना। मैंने इसके अंदर 3 चम्मच सिरका डाल लिया, और अच्छे तरीके से मैं हर चिकन की पोटी को इसके अंदर डिप करूँगी। मैंने कोई ये ब्लैक पीस या कोई मखसूस बोटी का मैंने वो नहीं रखा था, मैंने पूरी चिकन ली थी जिसमें मैं इसको अच्छे तरीके से डिप करके रख लूँगी। तकरीबन आपने 1 से 2 घंटे आपने इसको डिप करके रखना है, ताकि ये जब आप फ्राई करें तो इजीली ये गल जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अगर आप इसको सिरके में डिप करके रखेंगे तो चिकन इतना टाइम नहीं लेती है जब आप इसको फ्राई करेंगे। तो मैं इस पूरी चिकन को अच्छे तरीके से इसमें मैं डिप करके रख दूँगी। और अब मैंने सोया सॉस और चिली सॉस ले लिया है, 2-2 चम्मच आप सिरका और चिली सॉस और सोया सॉस ले लें। और ये मैंने लहसुन अदरक का पाउडर डाला है इसके अंदर, तकरीबन 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर डाला है। और इसके अंदर मैंने सफ़ेद मिर्च डाली है, और साथ ही मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दूँगी। और फिर अब इसके अंदर नमक ऐड कर लें, फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसका एक पेस्ट बन जाएगा, बहुत अच्छा इसका। और इसको ऐसे भी फिंगर के साथ टच करके भी खाएंगे तो बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। और ये मैंने इलायची पाउडर ले लिया है, तो मैं इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल लूँगी, अच्छी सी इसकी खुशबू भी आती है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मैंने ताज़ी ताज़ी इसके अंदर धनिया पुदीना और हरी मिर्च पीस के इसके अंदर डाली थी। तो जी ये मैं इसके अंदर धनिया पुदीना और हरी मिर्च पीस के अंदर मैं डाल रही हूँ, तो बहुत अच्छा बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे।
तब इसको पीस लें और इसके अंदर फिर डाल दें। ताज़ा ताज़ा पीसा हुआ ताज़ा सा ताज़ा धनिया पुदीना हो तो फिर उसका बात ही अलग होती है। तो हर चीज़ ताज़ी ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसको ताज़ा ताज़ा पीस के मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और मैंने अभी इसके अंदर आधा चम्मच हॉट सॉस डाला है, हॉट सॉस इसके अंदर मैंने डाल दिया। और हमें चिकन को उसकी साइड चेंज करते रहना है ताकि वो अच्छे तरीके से हर जगह से सही से हो जाए। तो मैं इसकी साइड चेंज करती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। जब भी आप किचन में जाएँ तो उसकी साइड चेंज कर लें। और फिर आप कुछ देर बाद इसको जो आपने मैरिनेट करके रखा है मटेरियल उसके अंदर चिकन को आप ऐड कर लीजिएगा। और इसके अंदर भी तकरीबन आपने पौना घंटा रखना है ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए, क्योंकि अब सिरके में तो वो ठीक से हो गया है। तो आपने इस मटेरियल के अंदर भी आपने मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन आधा पौना घंटा लाजमी। आप इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर रख दें और अच्छे तरीके से हर बोटी को ऊपर इसकी सॉस जो आपने डालना है ताकि अच्छे से इसका टेस्ट आए, अच्छे तरीके से हर बोटी के अंदर इसका टेस्ट आए। तो देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से अलग अलग बोटी के ऊपर इसको डिप कर रही हूँ ताकि ये इजीली और मज़े का इसका टेस्ट आ जाए। तो बहुत इजी रेसिपी है, कोई डिफ़िकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। और जो काम दिल से किया जाए और जिसको काम को काम समझ के किया जाए तो वो काम मुश्किल नहीं होता है, और जिसको काम को बोझ समझा जाए ज़िम्मेदारी ना समझा जाए तो वो काम मुश्किल लगता है। और जब मैं भी काम को बोझ समझ के करती हूँ तो मुझे भी काम बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि काम को कभी बोझ मत समझा करो, काम को काम की नीयत से किया करो और काम को अपना समझ के किया करो तो काम कभी मुश्किल नहीं लगता। तो ये हकीकत है, इसमें बहुत बहुत ही हकीकत है और बहुत ही सच्चाई है। तो ये मैंने अच्छे तरीके से अब कोडिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने मैदा ले लिया था, मैदे के अंदर आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है, मैदे में एक दफ़ा आपने कोट कर लेना है। फिर आपने ये जो मैग्नीशियम का पानी है उसके अंदर डिप करना है, देन फिर आपने कोडिंग करनी है अच्छे तरीके से। और देखिए कितना प्यारा ब्रोस्ट लग रहा है ना, वो यकीन माने बहुत मज़े का। मैंने इसको जब फ्राई कर लिया, फ्राई करके जब इसको मैंने खाया, क्या मज़े का टेस्ट था और बहुत मज़े के इसके क्रम्स बने थे। अच्छे तरीके से आपने कोडिंग करनी तो बहुत अच्छे क्रम्स बनते हैं, कभी आपके क्रम्स ख़राब नहीं होते हैं। तो अब मंथ के एंड चल रहा है तो हम लोग मंथ के एंड में ही ग्रॉसरी ले आते हैं। तो अब हमारी ग्रॉसरी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, जो आइटम हमारे काफ़ी आइटम्स ख़त्म हो गए थे, तो आज ग्रॉसरी लाना लाजमी था। तो आज मैं और भाभी और अदन ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, और हम ग्रॉसरी मैं और भाभी ही लेने जाते हैं क्योंकि भाई के साथ नहीं जाते हैं। तो अब हम ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं और ये ग्रॉसरी हमारी शाकस्थल 3 नंबर पे ग्रेस सुपरमार्केट है, तो हम वहाँ से ही लेते हैं। और कहीं दूर जाने से बेहतर है इंसान, जब आपके इलाके में फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप वहाँ से क्यों नहीं लें, आप वहाँ से जाके ले लें। दूर जाने से बेहतर है इंसान ईज़िली आपके जब एरिए में मिल रही है तो आप वहाँ जाके ले लें। अब आप इतना किराया भर के जाएं तो अच्छा तो नहीं लगता ना। और आजकल इतना कोई फजूल पैसा भी नहीं है कि इंसान इतना पैसे को बर्बाद करे, तो इसलिए हर चीज़ में मियाना रवैया इख्तियार करनी चाहिए इंसान को। तो अब बस मैं ग्रेस की तरफ जा रही हूँ और यहाँ से शाह फैसल 3 नंबर पे हमें हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे हर शॉप पे आपको जिस किस्म की जो भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ से मिल जाती है। आपको जूती कपड़ा यहाँ पे शॉप्स भी हैं, यहाँ पे चिकन की, गोश्त की, यहाँ पे मिठाई वाला, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। और ये है फेमस देवी स्वीट्स, यहाँ पे बहुत अच्छी मिठाई मिलती है। और ये बहुत पुरानी दुकान है और जब से मैंने वो संभाला है तकरीबन मैं तब से इसको देखती आ रही हूँ, और ये पहले की है मेरे, अब की भी नहीं है। तो बहुत अच्छी है ये मिठाई। तो जी मैं पहुँच चुकी हूँ ग्रेस। तो आज आप मेरे साथ ग्रेस जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज मैं क्या क्या ग्रेस से ख़रीद रही हूँ और क्या क्या मैंने यहाँ से लेना है। तो जी मैं और भाभी और अदन ग्रेस आए हैं, तो अब हम शॉपिंग करनी है। ग्रॉसरी ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो चुकी है तो बस वो हमने लेनी है।
जी और अब मैं यहाँ से पूरा राशन लेने आई हूँ कि हमें आपके साथ जो रेसिपी शेयर करनी है उसके लिए तो भी चीज़ें तो चाहिए ना, तो वो भी लेनी लाजमी है। और आजकल इतनी महंगाई हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा, पहले जहाँ 10,000 में राशन आता था तो 15,000 में भी राशन पूरा नहीं होता है, क्योंकि इतनी अब एक बनता था। और जब भी आप मार्केट आओ तो किसी ना किसी चीज़ पे डबल प्राइस हुए ही होते हैं, हर चीज़ पे आजकल इतने रेट बढ़ गए हैं ना कि मत पूछें। और जब भी राशन लेके जाओ ना, हमेशा दुगने तिगने पैसों का ही आता है, कभी हमेशा कम पैसों का नहीं आता। तो जी बस अब हम शॉपिंग कर रहे हैं, जो ग्रॉसरी लेनी है वो ले रहे हैं, और ये आप हैंड वॉश देख रहे होंगे। और मैं मार्केट जाऊँ, मैं क्रॉकरी आइटम में ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं लाजमी चाहती हूँ कुछ ना कुछ लाजमी लेकर आती हूँ। और ये देखें कितना सारा राशन मैं ऊपर लेकर आई थी, तो ऊपर लेके आना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ हमारा ग्राउंड फ्लोर ही था, तो अब हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो ऊपर लेकर आना राशन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और मैं कहती हूँ हम कब दोबारा वहाँ वापस शिफ्ट होंगे, यहाँ से तो जान छूटेगी। और यहाँ तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, आप सोचें सीढ़ियाँ थर्ड फ्लोर पर आना बहुत मुश्किल होता है, सामान पकड़ के चढ़ना, ऊपर आओ तो सांस चढ़ रहा होता है। तो बस ये सारा राशन लेके आए थे, और फिर भाभी ने सारा राशन सेट किया, मैंने तब तक रोटी वगैरह बना ली थी, मैं खाना भी तो खाना थे कि काम कर लिया हमने। तो ये मैं पटियाँ लेकर आई हूँ आपके साथ, इसकी एक रेसिपी शेयर करनी है। तो जी बस ये है आज का बिल, और आज का ब्लॉग यहाँ तक ही है। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।